कभी कभार नहीं होता है तो कबाड़ा बीन के खा लेता हूँ। कभी कभार नहीं होता तो कबाड़ा बीन के खा लेता हूँ। कबाड़ा बीन के खा लेते हो? मंदिर बहुत गरीब आदमी रहते हैं, दे देना। अच्छा, आपको नहीं चाहिए फिर? आप कहते रहे आपको आपका फायदा हो जाएगा, आप फायदा क्यों नहीं देख रहे अपना? नहीं, ऐसे लेते नहीं हम। अच्छा, ऐसे नहीं लेते, तो कैसे लेते फिर? कैसे से लेते? अरे बड़ा ईमानदार हो आप यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य। जो लोग रोड किनारे सोते हैं, शरीर पे कपड़े नहीं होते, अगर कपड़े होते भी हैं तो बहुत पतले होते हैं, नाजुक होते हैं, जिससे उनकी ठंड नहीं रुक पाती। तो आज मैं थोड़ा सा फिर से एक नए काम करने के लिए निकल रहा हूँ। तो रात के अभी 10 बज रहे हैं, तो हो सकता है रात के 12 ही बजे, 1 बज जाए। हाँ बेटा, टोटल कितने हैं? ऐसे गिन लेना, इससे भी गिनी जाएगी। 25। तो मतलब ये कंबल की कैटेगरी में आएगा या फिर थोड़ी गर्म थोड़ा जो होता है वो उस कैटेगरी में आएगा? कंबल में आएगा। अच्छा, गर्म केस की कैटेगरी में आएगा ये। गर्म केस है ना, मतलब एक इंसान बाहर भी लेके जा सकता है। गर्म चद्दर है। टोटल कितने हो गए बेटा? 25। चलो चले अब। चलो, थोड़ी सी अमन से गलती हो गई काउंटिंग करने में। एक्चुअली वो थोड़ा सा क्या होता है कि डबल हो रखे ना लपेटे हुए हैं, तो ऐसा लगा कि वो अलग अलग है, लेकिन वो एक ही है। तो टोटल 25 नहीं है। 25 गिने थे पहले? पहले 25 गिने थे, लेकिन 25 नहीं है, टोटल 15 है। और अब बस निकल गए हैं सेवा करने के लिए हमेशा की तरह। बस अब देखते हैं जिसको ज़रूरत होगी, या जो भी ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने चिट्ठे में कि कहाँ पर जाना है, हमने किसकी मदद करनी है, तो वो होती चली जाएगी। लाल की जय। सामान ले लो अंकल, ये ले लो। क्या नाम है आपका? अली अहमद। हाँ जी, अली अहमद नाम। तो इस टाइम कपड़े नहीं पहन रखे आपने? कपड़ा ऊपर रखा। देखो इसको ओढ़ लो, ओढ़ लो। अच्छा। एक ये ले लो, एक और ले, एक और ले लो, एक और ले लो। रुको रुको रुको, कपड़े तो पहनोगे, ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ खाओगे? नहीं। बताओ ना कुछ लेकर आऊँ, कुछ बिस्कुट वगैरह या ब्रेड पकौड़े वगैरह। चलो ठीक है अंकल जी। ये लो छोटे भाई, ये लो, ये लो। हेलो अंकल जी। उम्र तो ज़्यादा लग रही है अंकल जी, कितनी उम्र है आपकी? 65। गाड़ी से देखा आपको तो तब जाके रुके हम। चलो अंकल जी, ध्यान रखो अपना। नाइट ड्यूटी, ये गाड़ी आपकी है? नहीं, गाड़ी मेरी नहीं अंकल, वहाँ लगा रखी है गाड़ी मैंने। चलो अंकल, जब जब दिखोगे मैं आऊँगा आपके पास। ओके। हाँ बेटा, सीधे मान।
क्या काम करते हो? मैं भैया जी पार्टी शार्टी का काम करता हूँ। अच्छा, तो कभी कभार नहीं होता है तो कबाड़ा बीन के खा लेता हूँ। कभी कभार नहीं होता तो कबाड़ा बीन के खा लेता हूँ। कबाड़ा बीन के खा लेते हो? घर कहाँ पे आपका? मेरा झारखंड। यहाँ किसके यहाँ रहते हो? इधर पापा रहते थे तो वो सब वो करते थे ड्रिंक सिंग, तो लड़ाई पागल सा हो जाता था तो घर से भाग किया था। फिर मैं दूर, सिस्टर है मेरी, क्या करूँ घर पे। वो कितना कमा लेते हो महीने का? ₹200 डेली कमा लेते हो? कोई कूड़ा चुनके? चलो ध्यान रखो छोटे भाई। खुश हो गए हैं? कौन हो आप हमारे हीरो? पेटी शेखर हूँ। क्या काम करते हो आप? पार्किंग में करते हैं। पार्किंग में? तो टी शर्ट खोल के ये बैठे हो, इतनी ठंड हो रही है, बंद करो इसको, बंद करो बंद करो बंद करो। अच्छा चैन टूटी हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा भाई साहब थोड़ा सा स्टाइल में बैठे हुए हैं। कहाँ रहते? कहाँ रहते? भी यही है भाई। अच्छा, तो नाइट की ड्यूटी है आपकी? क्या नाम है? विनोद कुमार। लो विनोद भाई, ये अभी गरम गरम है, खा लेना। ठीक है, चलो जी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जो पतली चादर के अंदर सो रहे होते हैं, कुछ लोग बिना कपड़े के सो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक बुजुर्ग अंकल थे जिनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। तो एक चीता जागता एग्जांपल आपको और दिखा रहा हूँ। चादर देखो कितनी पतली है और ठंड इतनी भयंकर बढ़ रही है, आपको बता नहीं सकता मैं। एक बार आप ये देखो, नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? बंटी नाम। तो इस टाइम इतनी सर्दी में छोटे से शाल के अंदर सो रहे हो आप? ये रघुवी नगर रहते हो, घोरालाव मंदिर अंकल। हैं? रघुवी नगर घोरालाव मंदिर रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ कैसे सो रहे हो अगर वहाँ रहते हो तो? उधर है ना मनटाइड रहे, मान रहे आग जलाने के हिसाब में। अच्छा, तो मैं भी जला के बाहर बैठ गया, पता नहीं था मुझे। अच्छा, मतलब आग जला के वहीं बैठ गए, वहीं सो गए। एक दिन के लिए, एक दिन निकालना पड़ेगा। एक दिन निकालना पड़ेगा। मनटाइड। क्या काम करते हो? काम क्या करते हो आप? कपड़े बेचते हो पुराने। कपड़े बेचते? पुराने कपड़े बेचते हो? तो यहीं रहते हो आप? घोरालो मंडी रहते इधर। तो अगर दो तीन दिन बाद मेरे को यहीं मिलोगे, पुराने कपड़े ले आऊँ आपके लिए बहुत सारे। नहीं, कहाँ मिलोगे मेरे को बताओ? दो तीन दिन के बाद तो इधर एक रात सोएगा, फिर चले जाएंगे उधर। तो मेरे को, मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, उसको बेच लो आप, पैसे भी कमा लोगे। इधर घोरालो मंडी बहुत गरीब आदमी रहते, दे देना। अच्छा, आपको नहीं चाहिए फिर?
आप कह तो रहे आपको आपका फायदा हो जाएगा, आप फायदा क्यों नहीं देख रहे अपना? नहीं ऐसे लेते नहीं हम। अच्छा ऐसे नहीं लेते, तो कैसे लेते फिर? पैसे से लेते। अरे बड़ा ईमानदार हो आप यार, पैसे से कम करते। मतलब फ्री में कुछ नहीं चाहिए? अच्छा मेहनत करके करना है। मेहनत से ही तो काम है। अरे सर मज़ा आ गया आपकी बात सुन के, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। आप जैसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं। कुछ कुछ खाओगे लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं कुछ तो खाना नहीं, कुछ है तो दे दो चाय। नहीं मैं लेकर आऊँगा आपके लिए फिर। खाना खा लिया अभी पुलिस वाले ने? खाना दिया पुलिस वाले ने? खाना दिया है ये परा पीछे देखो, खा के रखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ खाना तो बताओ लेकर आऊँ आपके लिए। चाय पानी के पैसे दे दो सुबह। चाय हाँ चाय पानी के पैसे ले लो आप। 200 रुपये बहुत हैं चाय पानी के लिए? नहीं 10-20 रुपये नहीं सर, 200 रुपये ठीक मेरे पास खुले पड़े, नहीं तो मैं हमेशा कैश ज़्यादा रखता हूँ, आज कैश ही नहीं है इतना। लेकिन एक बात बोलो भैया, आपकी बात अच्छी लगी मेरे को, आपने बोला मेरे को फ्री में कुछ मत दो, मैं मेहनत करके कमाता हूँ और मेहनत करके कपड़े लाता हूँ मैं, तो ये ऐसी सीख तो। चलो धन्यवाद भैया, खुश रहना हमेशा। ओके भैया बाय बाय।